दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज आ गया पोको M2 Pro का। जैसे मैंने कहा था 10 तारीख से पहले लॉन्च होने वाला है, ऑब्वियसली आ गया लैंडिंग पेज। बट इससे क्या हुआ ना कि मेरा एक वीडियो था, थोड़ा पुराना है, 4-5 दिन पहले का, पोको M2 Pro के ऊपर, उसमें बहुत सारे व्यूज बढ़ गए एंड बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके बारे में कि आपने ये कहा था और ये आ रहा है। लेकिन मैंने लॉन्च डेट ऑलमोस्ट सही बताया था कि 10 तारीख के पहले लॉन्च होगा। एंड जो चीजें और बताई थी ना उसके बारे में बात करना है एंड बाकी सारी चीजें बताऊंगा पोको M2 के बारे में, M2 Pro के बारे में, क्योंकि M2 नहीं आ रहा है, M2 Pro ही आ रहा है जहां तक मेरा वो है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि 59 जो चाइनीज एप्स बैन हुए हैं उसके बारे में बहुत खुशी है लोगों में, लेकिन उसके बाद क्या? ऐप तो बैन हो गया, उसके बाद क्या? उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि क्या यूट्यूबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ऐप डेवलपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। नॉर्मली बहुत सारे लोग खुश होते हैं एंड चाइनीज मोबाइल के ऊपर वीडियो बना दो तो आके आपको गाली भी दे देंगे कि आप चाइनीज वीडियो को बॉयकॉट करो, क्यों नहीं कर रहे, वैसे कर रहे हो। लेकिन जब ऐसे अच्छे वीडियो बनाओ ना तो लोग देखते नहीं है। बाकी सारे वीडियोज पे मेरे एक घंटे के अंदर करीब करीब 1000 के ऊपर व्यूज चले जाते हैं। उस पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 2.5-3 घंटे हो गए हैं और अभी तक 400 व्यूज हैं। ये वीडियो देखने के बाद जरूर जाके उसको देखिए और आपके हिसाब से बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है। चलिए अभी फिलहाल चलते हैं पोको M2 की प्रो की तरफ। इसका लॉन्च डेट आ गया है। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं पहला वीडियो बनाया था सुबह वाला, उसको एडिट कर रहा था। उसके बाद मेरे क्लास चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ मैं कॉलेज में, अगर आपको मालूम हो तो। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैं एडिट कर रहा था क्लास के पहले ही, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पोको M2 Pro आ गया है एंड मेरे पुराने वाले वीडियोस पे सडन व्यूज बहुत बढ़ गए एंड लोगों ने कहा कि आपने जो बताया था वैसा नहीं है। मैंने कहा था 10X 4G होगा, जबकि लोग कह रहे हैं कि 10X 5G होने वाला है रेडमी का। एंड मैं आपको बता दूं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। क्यों? ये सारी चीजें बताने वाला हूं। एंड वो जो मैंने वीडियो बनाया था ना 10X 4G के ऊपर, क्योंकि देखिए मैंने वीडियो स्टार्ट, अगर जाओगे उस वाले वीडियो में तो उसमें पे देखो मैंने क्लीनली कहा है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। एंड उसके लिए मैंने आर्टिकल्स भी डाले हैं उसमें प्रूफ के तौर पर। ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, वहां पे डाला है कि रेडमी 10X 4G जो है वो इंडिया में पोको M2 Pro बन के आ सकता है। 2-3 इंडिया टुडे से लेके 2-3 ऐसे आर्टिकल्स हैं वो लिटरली मैंने डाले हुए हैं। आप वहां पे जाके वीडियो में देख सकते हो कभी भी वो वीडियो को। एंड उस पर व्यूज आ गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये नहीं आने वाला है। और जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वहां पे इमेज अगर देखोगे तो रियर साइड पे क्वाड कैमरा दिख रहा है। अगर आप रेडमी 10X 4G की बात करोगे तो वहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, लेकिन 5G की बात करोगे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। और ये जो M2 Pro का जो दिख रहा है ना उसमें रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। तो वो देख के बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि रेडमी 10X 5G हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि वो हो। क्यों? क्योंकि जब 15th of June के आसपास सी मनमोहन का इंटरव्यू हुआ था, जिसका मैंने रेफरेंस लास्ट टाइम लिया था डेट के लिए कि 10 तारीख से पहले लॉन्च हो जाएगा, उसमें उन्होंने एक और चीज कही थी। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सी मनमोहन ने कहा था, तो उनको मैं रेफर कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया था वो चीज कि सी मनमोहन ने कहा था कि जो पोको M2 या M2 Pro जो भी आएगा वो स्मार्टफोन किसी स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन नहीं होगा, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा। तो कुछ कह नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं, 10X 5G की बात करोगे तो वो 820 पे आए, डायमेंसिटी 820 पे। हो सकता है ये 800 पे आए, डायमेंसिटी 800 पे, और 15,000 के नीचे लॉन्च हो, ऐसे कुछ प्राइस पे 14,000-15,000 के आसपास 5G के साथ। कुछ भी, अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, लेकिन हो सकता है ये कह रहा हूं। तो क्लियरली यही कहूंगा कि हाँ 7 तारीख का वेट कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है रेडमी के फोन्स का, पोको के फोन्स का, रियलमी के फोन्स का, ये लोग अभी तो आउट ऑफ स्टॉक ही चलते हैं। तो 7 तारीख को लॉन्च होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद सेल भी आएगा, कितना सेल बिकेगा, फिर उसके बाद महीने 2 महीने उड़ा ही रहेगा, गायब ही रहेगा। तो वो भी एक इशू है उससे रिलेटेड, फ्लैश सेल और गायब रहने वाला, ऑलमोस्ट गायब ही रहते हैं वो सब, उसका भी इशू देखना पड़ेगा उनको। तो 7 तारीख को लॉन्च होने वाला है। जैसे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरा पता चलेगा मैं तुरंत वीडियो बना के आपको दे दूंगा एंड कोशिश करता हूँ ऑन द स्पॉट देने की भी। यही बात है, अभी तक जितना पता चला है, जितना पता चलेगा उसके बारे में बताता रहूंगा। और हाँ फिर से बता दूं कि जो वीडियो बनाया है उसको जाके जरूर देखना और आप बताओ जो 59 ऐप बैन हुए उसके बारे में, उसके आगे क्या करना है। वो वीडियो भी बनाया मैंने, उसको जाके जरूर देखना। और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है उस चीज़ के लिए, वो भी ज़रूर देना। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूंगा आगे भी, फ्यूचर में भी, अगर मुझे अच्छे व्यूज मिलते हैं तो। देखिए हम यूट्यूबर्स हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं व्यूज के हिसाब से ऑब्वियसली। अगर मुझे लगेगा कि ये टॉपिक चल रहा है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कितना भी लेक्चर दे रहा हूँ लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्यों वीडियो बनाऊंगा मैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे वीडियोज को सपोर्ट किया कीजिए आप लोग, आप लोग के सपोर्ट की वैसे बहुत जरूरत है। तो इतना ही कहना था,
कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लगमेंट तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी देख सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो एक इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।